खरगोन जिले में कोरोना महामारी के चलते बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ग्रामीण तबके तक घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू किया है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों का परीक्षण करके स्वास्थ्य लाभ सहित समझाइश दी जा रही है। दरअसल जिले में जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग सहित महिला बाल विकास को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर मरीजों की जाँच की जाए, जिसमें सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित लोगों का टेस्ट करके सुचारू उपचार किया जा सके। इसी के चलते आदिवासी ग्राम कदवाली ने प्रशासनिक अमला पहुंचा और घर घर जाकर सर्दी खांसी बुखार के बाधित लोगों की जांच करके महामारी से बचाव के उपाय सहित मास्क लगाने की प्रेरणा दी। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मीडिया से चर्चा में बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा ने निर्देशन में सर्वे कर रही है, जिसमें लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी में हिलाविंग क्या समझे आप? साबुन से हाथ धो दो और मुई बांधी रख दो। क्या नाम है आपका? चुनकुली भाई। ये अभी जो किल कोरोना अभियान के अंतर्गत हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य विभाग सब मिलकर ये काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके हर व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं और किसी को अगर सर्दी खांसी जुकाम इस तरह के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो उनका नाम उनको गूगल शीट पे अपलोड किया जाता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके उनका स्वास्थ्य परीक्षण करती है और उसके बाद जो भी संदिग्ध रहते हैं ऐसा शंका उनके उन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के आधार पर रिपोर्ट आती है। इस कारण हमारे जो अधिकांश लोग हैं लगभग सर्वे पूरे क्षेत्र का सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है और अधिकांश केस जो अभी तक नज़र नहीं आ रहे थे वो हमारे सर्वे के प्रयासों से बाहर नज़र आ रहे हैं और ये एक अच्छा प्रयास है शासन का और किस तरह की में काम चल रहा है, किस तरह की समझाइश दी जा रही है जी घर पहुँच रहे हैं आप? कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें ये समझाइश देने का प्रयास ये दी जा रही है समझाइश कि सभी एक तो लोग भीड़ न लगाए कहीं भी, भले ही बाजार खुल भी जाए तो भी वहाँ पर भीड़ न लगाए, कम से कम लोग जाए, जिससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो घर से निकले और मास्क लगाकर ही निकले और हम कार्यकर्ताओं को भी सतत ये समझाते हैं कि वो अधिकतर लोगों के संपर्क में आती है तो वो स्वयं की सुरक्षा भी करें और साथ साथ लोगों को सुरक्षा के लिए जानकारी दें। जो प्रतिदिन सर्वे किया जा रहा है उसमें लगभग कितने पेशेंट निकल रहे हैं सर्दी जुकाम हुआ इस टाइप के लक्षण वाले? ये लगभग 35-40 लगभग रोज निकल जाते हैं सर्वे में कम से कम और साथ में हमारे डीपीओ मैडम के विशेष निर्देश है, हमारे रत्ना शर्मा मैडम डीपीओ मैडम के, तो हम इसके साथ साथ आयरन की दवाई वगैरह भी बच्चों को देते जा रहे हैं इस सर्वे के साथ साथ और विभागीय कार्य भी गति करते जा रहे हैं। मैं श्रीमती योजना एजेंसी वाले परियोजना अधिकारी भगवानपुर। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना सर्वे कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में किया जा रहा है और उसके साथ साथ हमारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम रत्ना शर्मा मैडम और परियोजना अधिकारी जिनसेवाली मैडम के मार्गदर्शन में किया जा रहा है घरों घर कार्यकर्ताओं द्वारा। और इनमें तो सर्दी खांसी बुखार ये लक्षण और डेंगू मलेरिया वाले इनके लक्षणों के सैंपल लिए जा रहे हैं और साथ ही इसमें हमारी मिसिंग NAC जो थी फील्ड में वो भी कार्यकर्ता द्वारा पूछा जा रहा है कि भाई किसी के पास रह तो नहीं गई है। और दूसरा है कि लाडली लक्ष्मी योजना के प्रकरण छूटे हुए और मातृ वंदना के छूटे हुए प्रकरणों की भी जानकारी घरों घर जाकर ली जा रही है। और क्या समझाइश किस तरह दी जा रही है आप लोगों से मिल रहे हैं गांव में? यही कि भाई जैसे साबुन से बार बार हाथ धोना है, डिस्टेंसिंग बना के रखना है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई स्वच्छता और मुँह पे मास्क लगाएं। क्या नाम है आपका? शकील अंसारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।